अस्सलाम वालेकुम जी, गैस करें किधर हैं जी, ये चेक करें, इधर चेक करें, ग्रैंड पहिया जी हाँ, वेस्टर्न सुपर मे में है और दो तीन दफ़ा पहले आ चुका हूँ मैं यहाँ पर, लेकिन वीडियो नहीं बनाई, सो दिस इज़ फर्स्ट टाइम जस्ट फॉर यू गाइस। इस तरफ टाउन सेंटर है और इस तरफ आप देख रहे हैं ग्रैंड पियर है और बीच, और आज बहुत साफ़ सुथरी बीच की हुई है इन्होंने, ये नज़र आ रही है, ये पियर देखें, पियर ये ऑल द वे आप जा रहे हैं ऊपर देखें, इतना बड़ा नहीं है जितना कि लंडूनो वाला है, लंडूनो वाला जो है वो बिग वन है। ये देखें सैंड आज कितनी क्लियर है, ये देखें ज़बरदस्त है। तो ये जो फिश एंड चिप शॉप आपको दिखाई है मैंने, लास्ट टाइम इधर इतना लंबा क्यू था कि लोग मोर देन हाफ एन आवर वेट कर रहे थे, शायद अच्छी हो, मैंने तो ट्राई नहीं की, हौसला नहीं पड़ा इतना लंबा क्यू देख के ना, तो आज देखते हैं ट्राई करते हैं। एक फिश एंड चिप शॉप ये बनी हुई है, फिश एंड चिप शॉप तो हर जगह जगह है, वो हर सी फ्रंट पे ज़रूरी है, क्योंकि फिश एंड चिप्स खाने का मज़ा यहीं पे आता है, सी फ्रंट हो और फिश एंड चिप्स हो। इस तरफ सारा टाउन है आप देख रहे हैं, ये सब अम्यूज़मेंट बने हुए बच्चों के लिए भी हैं, और ये देखें बच्चों के झूले लगे हुए हैं, वो पीछे पियर है वो सामने नज़र आ रहा है, ये टूर बस भी आ रही है आप देख रहे हैं, ये टूर बस और ये स्कूटी में जी। तो वेस्टर्न सुपर में बर्मिंगम से नीली 100 माइल है, और क्योंकि बर्मिंगम मिडलैंड कहलाता है और कहीं भी सी साइड जाने के लिए आपको अराउंड 100 माइल, दिस इज़ द नियरेस्ट प्लेस 96 माइल, और ये करीब तरीन है, इससे करीब कोई समुंदर या बीच नहीं है हमारे बर्मिंगम के लिए। तो ये भी पानी कभी कभी नज़दीक आता है, लास्ट 2-3 टाइम आया हूँ तो पानी बहुत दूर था, और यहाँ पे इतना बीच भी साफ़ सुथरी नहीं थी, आज तो मैंने कहा है क्या बात चमकाई हुई है, ये देखें आप दिखाता हूँ मैं, बिल्कुल साफ़ सुथरी है, ज़बरदस्त है, ये देखें सारे साइन लगे हुए हैं, वेस्टर्न म्यूजियम, कोस्ट पाथ, ट्रॉपिकाना, वो मिनी गोल्फ क्लब भी है वहाँ पे सामने, अभी बिजी नहीं है शायद, बंद है इसलिए। तो जी हाँ, बर्मिंगम से 2 घंटे, लेस देन 2 आवर्स यू कैन बी, ज़बरदस्त है डे आउट के लिए, ज़बरदस्त जगह है। बर्मिंगम से लेस देन 2 आवर्स, नाइस प्लेस, सी फ्रंट, नाइस बीच, यू कैन स्पेंड द होल डे, ज़बरदस्त जगह है, और एक्टिविटीज़ भी हैं बच्चों के लिए, ये देखें
कोर्स बीच भी है, ये सामने है, ज़बरदस्त है। सो पूरा दिन आप इंजॉय करें। आफ्टरनून 4 o'clock, 5 o'clock ईजीली शाम से पहले घर, ज़बरदस्त है। मैं तो इंजॉय कर रहा हूँ, होपफुली के वीडियो देख के आप भी इंजॉय। वीडियो देख के क्या करना है, खुद आए यहाँ पे। तो ये तो आपको मैं इनक्रेजमेंट दे रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, आएँ और डे स्पेंड करें बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ, और इंजॉय करें। मैंने देखा बुज़ुर्ग लोग काफ़ी आए हुए हैं यहाँ पे ना। हमारे यहाँ तो बुज़ुर्गों को बिठा दिया जाता है घर पे ही, ये कोई ज़रूरत नहीं है, आप बैठे आराम करें, चिल करें, बिठाने ही उनका चिल है। ये तो इंजॉय करते हैं भाई, डजंट मैटर डिसेबल तो क्या, निकल आएंगे और डे स्पेंड करेंगे। वेस्टर्न सुपर में आप देख रहे हैं कि सूरज अपनी आबोताब के साथ चमक रहा है। नाइस कूल ब्रीज है, ठंड नहीं है, मज़ा आ रहा है, धूप भी है। और वो सामने देखिए आप, विंड सर्फिंग भी हो रही है यहाँ पे, लोग एंजॉय कर रहे हैं। इस तरफ देखें सारी मेन रोड पे होटल्स हैं, लंडन आई की तरह छोटा सा आई लगा हुआ है। ये सामने वेस्टर्न सुपरमेयर पियर है, जो कि हर जगह पे ही है, जिधर भी आप जाएं सी साइड पे, वो देखें बेशुमार वो लगे हुए हैं, विंड सर्फिंग कर रहे हैं वहाँ पे। और पानी काफ़ी दूर है, शाम को शायद ये ऊपर आ जाए यहाँ पे। और यहाँ पे सैंड नज़र आ रही है कि वेट है, थोड़ी बारिश भी हुई है, वो भी नज़र आ रहा है, सुबह के टाइम बारिश हुई होगी। और अच्छा टाउन है सी साइड, और जी हाँ उसके पीछे वहाँ पे हाई स्ट्रीट भी है, काफ़ी गहमा गहमी है वहाँ पे, बिजी है। और ट्रैफिक वाइज सबसे मुश्किल चीज़ यहाँ पे पार्किंग है, पार्किंग नहीं मिल रही थी, बहुत मुश्किल से पार्किंग मिली है, स्पेशली सी फ्रंट। पीछे तो शायद वो होंगे कार पार्क बने हुए हैं इंडोर, लेकिन जी हाँ सी फ्रंट पे बहुत मुश्किल है। मैं दो दफ़ा ऊपर नीचे गया हूँ, 2-3 miles किया है, फिर जाके पार्किंग मिली है। और ये देखें ज़बरदस्त व्यू है, बीच पे इतना रश नहीं है, बीच पे नहीं है रश, शायद मौसम की वजह से। मौसम अभी तो ज़बरदस्त है, लेकिन ना वो जो बता रहे थे मौसम BBC वाले, वो तो बता रहे थे बारिश है, लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो लोग ज़्यादा बिलीव उसी पे करते हैं। तो मैं तो निकल आता हूँ, देखा जाएगा, फिलहाल सो फार सो गुड। ये लाइफ गार्ड की गाड़ी आप देख रहे हैं सामने, तो ये पेट्रोलिंग तो खैर करते हैं, हर जगह करते हैं, करनी भी चाहिए। शायद ये थोड़ी हवा
हवा बहुत तेज़ है, सो विंड नॉइज़ हो, सो वीडियो क्वालिटी में शायद साउंड क्वालिटी कुछ अच्छी ना हो। चलें, वीडियो तो चल रही है, इसी से गुजारा करते हैं। आई होप कि आवाज़ भी आपको सही आ रही होगी, तो चलते हैं आगे। काफ़ी आबादी है यहाँ पे, कुछ काफ़ी बने हुए हैं। ये स्टोन बिल्ड हैं ज़्यादा घर जो मैंने देखे ना, स्टोन बिल्ड हैं और ज़बरदस्त हैं, बहुत पुराने हैं। और ये बिल्डिंग इनमें से ये भी पुरानी है, ये वाली नई है, ये नई है। और बाकी वहाँ जो पीछे आपको नज़र आ रहे हैं ना घर, वो सब पुराने हैं। वेस्टर्न सुपर मेयर से इतना ही जी, अपना ख्याल रखिएगा मेरी तरफ से, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय फ्रॉम वेस्टर्न सुपर मेयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।